हमारे साथ इस समय आशीष ग्रोवर जी हैं, उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि इस बार वो किसे प्रधानमंत्री चुनना चाहते हैं। नमस्कार साथियों, इस समय हम आशीष ग्रोवर जी के पास आए हैं और जैसे कि मैंने कहा था आप सभी से मैं मुलाकात कराऊंगा मोदी जी को लेकर के। इस बार प्रधानमंत्री क्या वापस वो बन पाएंगे या आप किसको इस बार प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं? देखिए, और क्यों देखना चाहते हैं, कारण बताइए। पिछली बार वाली स्थितियां तो नहीं है, इस बार थोड़ी फाइट लग रही है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ही आएंगे। क्यों, क्या पसंद आ गया उसमें आपको? आएंगे, पसंद देश सुरक्षित है, यूपी में दंगे नहीं हैं, हड़तालें नहीं हैं, चक्का जाम नहीं है, 24 घंटे बिजली आ रही है, चंदा दे के ट्रांसफार्मर चेंज नहीं कराना पड़ता। शायद हमारे भाई लोग भूल गए जो उसके अगेंस्ट बोलते हैं बीजेपी के, कि विकास नहीं हुआ। सड़कें आज की डेट में जो है, आप यूपी में ट्रैवल कीजिए और इंडिया के किसी दूसरे स्टेट में ट्रैवल कीजिए तो सबसे अच्छे एक्सप्रेसवे हमारे यहाँ हैं। इतना विकास हुआ है तो उस पर जो है बीजेपी को वोट मिलना चाहिए। विपक्ष कहती है आप लोग बेरोजगारी में बात नहीं करते। हाँ, पहले बहुत बहुत रोजगार हुआ करता था, हर घर से सरकार, हर घर से चार लोग जो है सरकारी नौकरी पाते थे, और अब लोगों को नौकरी नहीं मिल रही है। पहले सरकारी नौकरियां हुआ करती थी, बहुत साफ सफाई रहती थी आज से 10 साल पहले रेलवे स्टेशन पे, अब बहुत कूड़ा करकट रहता है। पहले तो इतनी खुशबू आया करती थी स्टेशन पे, स्टेशन पे जाइए तो एकदम चेहरा चमकता था, अब बड़ी गंदगी सी रहती है। ट्रेन में चले जाइए तो ट्रेन में टॉयलेट वगैरह पहले बहुत साफ रहते थे, अब बड़े गंदे रहते हैं। पिछली सरकार, अरे भाई साहब, ट्रेन में ट्रेवल कीजिए, रेलवे स्टेशन जाइए, तब देखिए कितना रोजगार है, कितना जो है साफ सफाई है, क्या चेंज हुआ क्या नहीं चेंज हुआ। क्या लगता है ये मोदी जी का मतलब फंडा चल जाएगा, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, ट्रांसपोर्टेशन है, हाईवे है, रोड है, इन सबको बना के और राशन देकर सबको वोट पा जाए, इतना सारा डेवलपमेंट काम आ जाएगा? 10 सालों में जितना विकास कर दिया, 10 साल लग गए उस इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए, अब 5 साल और दीजिए। अच्छा, प्रयागराज आपको रोजगार देंगे? प्रयागराज में तो, प्रयागराज में आप क्या बदलाव देखते हैं? प्रयागराज में बदलाव ये देखता हूँ कि जो है नैनी पुल जो नया वाला बना है उसका उद्घाटन इंदिरा गांधी ने किया था 65 में, और हमारे मुरली मनोहर जी जोशी जी आए तब जाके वो कंप्लीट हुआ। चौफटका पुल बीजेपी के टाइम पे पूरा हुआ, IIIT बीजेपी के टाइम पे पूरा हुआ, और कौन कौन से योगदान मैं बीजेपी की गिनाऊंगा। अच्छा, बीजेपी यहाँ प्रयागराज जो चौराहे आप बताते पहले कैसे थे, अभी चौराहे बदल गए क्या काफी? बहुत बदल गए, हम लोग ब्लेस्ड हैं, हमारे यहाँ तो ऐसे ही जो है कुंभ का आशीर्वाद मिलता है और जो है हाईकोर्ट का आशीर्वाद है। इस बार कुंभ आने वाला आपको 25 में जी, क्या तैयारियाँ चल रही हैं आपकी? देश क्या विदेश क्या वर्ल्ड देखेगा कैसी तैयारी चल रही है और क्या क्या डेवलपमेंट बीजेपी इसमें क्या कर रही है, सरकारी काम हो रहा है। फंड तो बीजेपी ही रिलीज करेगी। अच्छा, कि फंड आया खर्चा नहीं कर पाए आप, ऐसे फंड का क्या काम? तो विपक्ष कह रही है आप केवल हिंदू धर्म पे ध्यान दे रहे हो। क्यों, हम मेजोरिटी में है, हम मेजोरिटी में है, हमारा धर्म तो सर्वप्रथम आना चाहिए, उसमें क्या बुराई है? तो राम के नाम पे ही वोट मांगेंगे आप लोग ऐसा? राम के नाम पे वोट मांगेंगे, राम के नाम पे भी वोट मांगेंगे जो है, विकास के नाम पे भी वोट मांगेंगे, मिल जाएगा वोट। मैं थोड़े वोट मांगूंगा, बीजेपी मांग रही है। अच्छा, 400 पार कर लेंगे? 400 पार ये तो मैं इस पे कुछ प्रेडिक्ट नहीं। अमित शाह कह रहे 100% कर लेंगे। अब अमित शाह तो बीजेपी के चाणक्य हैं, वो ज्यादा जानते हैं। अब विपक्ष कह रहा है अगर 400 पार होगा तो संविधान खत्म कर देंगे, इस पे क्या कहेंगे? संविधान खत्म कैसे हो जाएगा, अभी कर दिया क्या संविधान खत्म? इससे पहले तो जो है 2014 में लोग कह रहे थे कि जो है बीजेपी आ जाएगी, संविधान बदलने की बात, बीजेपी आ जाएगी, तो कुछ तो चल रहा होगा मन में, कुछ ऐसी बातें। हां, संविधान बदल दिया, देखिए गलत कर दिया, 370 हटा दिया। पहले जाते थे कश्मीर तो लोग कहते थे कौन से देश से आए हो, वहाँ के लोकल्स, अब नहीं पूछते कि कौन से देश से आए हो, उनको पता लग गया ये भी इंडिया में। तो ऐसे संविधान खत्म कर देंगे तो दिक्कत तो होती है ना आपके घर में लोगों को, सभी लोग मतलब कमल को सपोर्ट करेंगे इस बार? अब देखिए, मैं अपने इंडिविजुअल बात कर सकता हूँ, मैं सबकी बात नहीं कर सकता, सबको अपना राइट है वोट देने का। तो निकल जाएगी इस बार कमल की गाड़ी यहाँ से? आपके क्षेत्र से कौन चुनाव लड़ रहे हैं? आपके क्षेत्र से कौन है? प्रवीण पटेल जी निकल जाएंगे? बिल्कुल साफ छवि के व्यक्ति हैं। कितने लाख वोट से जीते? अब देखिए मैं फिगर्स पे तो नहीं जाना चाहता। अच्छा।
क्योंकि इतना मेरे को जो है हर पोल का कोई अंदाज नहीं, लेकिन बीजेपी को का आशीर्वाद है प्रवीण जी पे, और कर्मठ नेता हैं, अच्छी छवि के व्यक्ति हैं, तो इलेक्शन तो निकलना चाहिए उनका। जनता से क्या कहेंगे वोट के लिए? जनता अपना विचार करके वोट दे, देखे कैसे क्या करना है। अच्छा लग रहा है लॉ एंड ऑर्डर तो गवर्नमेंट को रिपीट करे, मोदी जी को सपोर्ट करे, चाहे उसमें जो भी है योगी जी का भी भला होगा, योगी जी का भला होगा तो उत्तर प्रदेश का भला होगा।